दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अमृतसर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कार चोर गिरोह के 7 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है, जिनसे 35 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार चोर गिरोह दिल्ली से गाड़ियां चोरी कर अमृतसर और पंजाब के अन्य शहरों में ले आते थे और इन गाड़ियों के जाली कागजात बनवा कर उन्हें बेच देते थे। इस मामले संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जितेंद्र सिंह ओलख ने बताया कि इस गिरोह में अमृतसर के DTO ऑफिस का एक क्लर्क और पुलिस का एक हवलदार भी शामिल था, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के तार दिल्ली में भी जुड़े हुए हैं और इनके कुछ साथी दिल्ली से भी हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ये है कि एक हमने गैंग पकड़ा है, इसमें हमने 35 व्हीकल रिकवर किए, जिसमें क्या है, 2 फॉर्चूनर गाड़ी है, 2 इनोवा है, सफारी 3 व्हीकल हैं, स्कोडा के 3 हैं, वरना के 8 हैं, i20 जो हुंडई का मॉडल है उसके 2 हैं, होंडा सिटी 4 हैं, इंडिगो 2 हैं, वरीटो 1 है, अपोलो 1 है, बोलेरो 1 है, स्विफ्ट गाड़ी 4 है, टाटा 1 है, इंडावर 1 है। सो इसका जो गैंग है, इसका ऑपरेशन है कि दिल्ली और UP में लिंक है इनके, वो लोग गाड़ी चोरी करके इनको देते हैं। यहाँ पे हमारा एक हवलदार मिला हुआ है इनके साथ और एक DTO ऑफिस का क्लर्क मिला हुआ है। जो क्लर्क है वो जो नंबर ऑक्शन जाते हैं, उनमें से कुछ नंबर बच जाते हैं ऑक्शन होने से, उस नंबर की फेक ID इनको बना के दे देता है ताकि उसका पता ना चले, और उसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करता क्योंकि वो दो नंबर की गाड़ी नहीं हो सकती, शायद एक ही नंबर की गाड़ी होती है, तो उसके मिले हुए थे। और इस बड़ा गैंग है, हमने अराउंड 35 व्हीकल रिकवर कर चुके हैं, अभी और रिकवरी जारी है। हमारे 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जी, अंडर सेक्शन 379, 420, 467, 468, 471, 472 एंड NDPS है, क्योंकि एक के पास से पाउडर भी मिला है हमें।